तो वेलकम गाइस, आज हम देखेंगे एडवांस्ड फ्रेजियोग्राफी या एडवांस्ड फ्रेजेस। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा है आई वुड लाइक। तो इसे तीन पार्ट में मैंने बांटा है। पहला हो गया ये आई वुड लाइक, तो ये आई, ये वुड, ये लाइक, ये थोड़ा स्क्वायर शेप में हो गया है। ये लाइक इस तरह होगा, आई वुड लाइक। लेकिन अब एडवांस में हम लोग लिखते हैं तो इसे तोड़ कर लिखेंगे आई वुड लाइक। तो आ जाते हैं दूसरे में, आई वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू से। तो आई वुड लाइक टू, लाइक टू, जब टी लगाते हैं किसी भी चीज़ के आगे, किसी भी वर्ड के आगे, तो वो हाफ हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आई वुड, सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया है, ज़रा कॉपरेट करें गाइस। हाँ, आई वुड लाइक टू से। आते हैं चौथे पे, आई वुड राइज टू सपोर्ट। यहाँ पे आई ये है, वुड राइज, वुड ओमिट हो जाता है, राइज टू सपोर्ट, राइज टू, टू भी यहाँ पे ओमिट हो जाता है, जो सपोर्ट, राइज टू सपोर्ट, डबल एस लग जाएगा तो ये बड़ा सर्कल हो जाएगा। तो और पी, पोर्ट, पी ये हो गया। अगर यहाँ पे आई वुड राइज टू सपोर्ट द होता तो यहाँ इस तरह आउटलाइन होता, आई वुड राइज टू सपोर्ट द। तो आते हैं चौथे पे, विल बी कंसिडर्ड। तो एडवांस्ड हम लोग नॉर्मली लिखेंगे अलग करके, विल बी कंसिडर्ड, इस तरह लिखेंगे हम लोग, विल बी कंसिडर्ड या सॉरी कंसिडर्ड, ये कंसिडरेशन हो गया, विल बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे अगर हम एडवांस में लिखते हैं तो विल बी कंसिडर्ड ऐसा हो जाएगा। फिफ्थ, विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, इसका ऐसा हो जाएगा, विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, विल बी कंसिडरेशन, सिडरेशन, सिडरेशन। सिक्स्थ हमारा हो गया, आई एम हैप्पी टू स्टेट दैट। अब आई एम हैप्पी, एम और पी का हुक लग गया, स्टेट टी अ हाफ, स्टेट टी दोबारा है, स्टेट टी टी, तो यहाँ स्टेट टी हाफ हो गया और दैट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो यहाँ अगर हम लोग डबलिंग प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे तो माई डियर ब्रदर्स, माई डियर ब्रदर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ डबल एस का आ गया, ब्रदर्स सेंसिस, सेंसिस, माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आ जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये इंटरसेक्शन वाले में होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोग इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अगर हम 40 या 60 वर्ड पर मिनट पे लिख रहे हैं तो हम लोग अलग करके लिख सकते हैं, लेकिन जब हम लोग 80 या 80 के ऊपर जाएंगे, 100 वर्ड पर मिनट पे जाएंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरह होगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑनरेबल, एन आर का हुक लग गया, सी एच में एफ का हुक और जे में एस टी का हुक और के, के हाफ हो जाएगा, के आर एक तरह से हो गया, के आर, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आते हैं लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, ये लार्ज का है हुक, लार्ज, ये बी आर और आर, फिर यहाँ पे एफ, एफ का हुक, नंबर ऑफ मेम ऑफ, नंबर ऑफ मेंबर्स आर एस, लार्ज बर आर एस, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स। तो आ जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया, एजुकेशनल डी और दोनों इंटरसेक्ट कर देंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्यूशंस जो हम लोग लिखते हैं तो इस तरह, इंस्टीट्यूशंस इस तरह होता है, इंस्टीट्यूशंस,
लेकिन यहाँ इस तरह होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल्स एस के एल का हुक, सॉरी स्कूल्स एस का हुक के, फिर कॉलेजेस, इसको इस तरह लिखेंगे अगर स्कूल्स को लिखते हैं तो, स्कूल्स ये हो गया हमारा, कॉलेजेस ये हो गया, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो इस तरह होगा स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, तो स्कूल्स एंड के एल कल, स्कूल्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस कॉलेजेस, यहाँ जे होगा, डीप करेंगे थोड़ा। आ जाते हैं 13th नंबर जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये बॉयज़ बॉयज़ और जी आर का होके यहाँ पे लग गया, जी आर एल एस, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो अगर हम बॉयज़ एंड गर्ल्स को अलग लिखें तो ये हो जाएगा एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो इसको अगर हम एक साथ लिखते हैं तो इस तरह हो गया बॉयज़ एंड गर्ल्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन दिस टेस्ट, टेस्ट एस टी का हुक है ये, इन दिस टेस्ट, तो कौन हमारा एडिट एमिट ओमिट हो गया, तो आते हैं आगे, केयर एंड कॉशन, केयर कॉशन, इफ आई मे से सो, तो इफ आई मे से सो हमेशा एक साथ आता है, कभी भी आता है, तो इफ आई मे से सो, तो इसे इस तरह लिखेंगे, इफ से सो, इफ से सो, इन अ लार्ज स्केल, इन लार्ज स्केल, यहाँ पे के एल का हुक ऑमिट हो गया है, इन अ लार्ज स्केल, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, स्ट्राइक्स एस टी आर का हुक है, के एस लॉकआउट्स, ये स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स भी एक साथ आता है, तो स्ट्राइक्स स्ट्राइक्स लॉकआउट्स, यहाँ पे आउट का लगेगा, लेकिन इसको अगर एक साथ लिखेंगे तो इस तरह होगा स्ट्राइक्स लॉकआउट्स, लॉकआउट्स को एल को हाफ कर दिया क्योंकि टी एस है, तो एल टी एस लेट लॉकआउट्स, तो इसलिए हाफ हो गया। विथ अ व्यू टू, यहाँ विथ का हुक है, ये व्यू का हुक है और टू का हुक है, ये सिंपल है। रूरल एरियाज़, अब रूरल एरियाज़ को देखना है, रूरल एरियाज़, आर को डबल कर दिया, आर आर रर रर, रूरल एरियाज़, एल ओमिट हो गया यहाँ पे। अर्बन एरियाज़, अर्बन एरियाज़, ये एडवांस्ड फ्रेजियोग्राफी है तो ये पूरा हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि एडवांस्ड फ्रेजियोग्राफी का यूज़ हमेशा 80 वर्ड पर मिनट या उससे अबव में होता है। अगर 60 वर्ड पर मिनट हम लोग लिख रहे हैं तो पूरा अर्बन हम लोग पूरा लिख सकते हैं, अर्बन एरियाज, तो अगर हम लोग एक साथ लिखेंगे 80 वर्ड पर मिनट के ऊपर या 80 के स्पीड पे, तो अर्बन एरियाज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस हो गया और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पूरा नहीं लिखेंगे, टेक्नोलॉजी। आ जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ये सिंपल है, जे का हाफ, जी का हाफ, गुड्स ये नीचे चला गया, सॉरी गुड्स गुड्स सर्विसेज, लेकिन हम लोग एक साथ लिखेंगे तो गुड्स सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन, एशन सेशन, सेशन का हुक लगा, तो यहाँ पे ऐसे होगा, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर बार आता है, गवर्नमेंट हम लोग एक साथ लिखते हैं इस तरह, ऑफ इंडिया, लेकिन एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ, ये सारे एडवांस्ड फ्रेजियोग्राफी हैं या एडवांस्ड फ्रेजेस कहें हम लोग, तो ये 25 है टोटल,
मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो थैंक यू गाइस यहाँ तक देखने के लिए एंड विश यू गुड लक।